नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडो थाई न्यूज। इस सप्ताह की खबरों में क्या है कुछ खास, आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राकेश्वर सिंह इस समय तुर्रम की बटालियन 168वीं कैंप में मौजूद हैं। उन्हें किसके साथ रिहा किया गया, वो कैंप तक कैसे पहुंचे, इन बातों का खुलासा भी नहीं हुआ है। वहीं सरकार ने किन मांगों को मानकर उन्हें रिहा करवाया, इस बात की जानकारी भी अभी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि नक्सलियों और सीआरपीएफ जवानों की मुठभेड़ के बाद राकेश्वर सिंह को बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद माओवादी विकल्प ने सरकार के सामने ये मांग रखी थी कि पहले मध्यस्थों के नाम घोषित किए जाएं, उसके बाद जवान को छोड़ दिया जाएगा, तब तक वो उनके पास सुरक्षित है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। जहां तक ये बात सामने आ रही कि मध्यस्थों के नाम सामने नहीं आए हैं, फिर कौन सी मांगों को मानकर सरकार ने सीआरपीएफ के जवान को रिहा करवाया है। आपको बता दें कि शनिवार को बस्तर में नक्सलियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 24 जवान शहीद हुए थे और 5 नक्सली मारे जाने की भी खबर है। इस इलाके के आसपास 700 जवान ऑपरेशन के लिए निकले थे और जिसके बाद नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर हमला कर दिया। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन शरणार्थियों को तब तक म्यांमार नहीं भेजा जा सकता जब तक कि डिपोर्टेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की याचिका को भी खारिज कर दिया जिसने ये कहा था कि इनको रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि इन्हें तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक म्यांमार में डिपोर्टेशन की प्रक्रिया सही से पालन ना किया जाए। दूसरी ओर प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला देते हुए यही कहा कि इन शरणार्थियों को, इन मुसलमानों को म्यांमार में जान का खतरा है, इसलिए इन्हें रिहा ना किया जाए। प्रशांत भूषण ने सुनवाई में यही कहा कि मुसलमानों के नरसंहार को लेकर 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि म्यांमार की सेना ने निर्दोषों की हत्याएं की हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं और वो बेघर होकर दूसरे जगह भागने को मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें यहीं रखा जाए और उन्हें रिहा ना किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने यही कहा है कि ये फैसला सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, बाकी विदेशी नागरिकों पर यह फैसला लागू नहीं होता है। देश में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की, जिसपे उन्होंने कंटेनमेंट जोन, मास्क, टेस्टिंग की प्रक्रिया पर जोर दिया। साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीनेशन आने के बाद भी लोग सावधानी बरतें। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के आने के बाद देश में हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बन गई तो देश के ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा हालात महाराष्ट्र में खराब होते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में रोज हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने महाराष्ट्र की सरकार की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस संकट के बीच में महाराष्ट्र में एक और संकट उभर कर सामने आया है, वो है कोरोना वैक्सीन की कमी। सरकार का कहना है कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की कमी है, सिर्फ 2 दिन के डोज ही हमारे पास बचे हैं। हमने सरकार से मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा डोज महाराष्ट्र को दिए जाए। पुणे में भी हालात बहुत खराब है। अब वहां पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों को फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। बड़ी से बड़ी संख्या में मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि मजदूरों को ये डर सता रहा है कि पिछले साल की तरह वो बेरोजगार हो जाएंगे, उन्हें लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए वो फिर से अपने घर वापस लौट रहे हैं। वहीं मुंबई के डब्बे वालों की हालत बेहद खराब हो गई है। उनका कहना है कि स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद डब्बा सर्विस बिल्कुल पूरी तरह ठप हो चुकी है और अब वो कूली बनने पर मजबूर हो गए हैं।
वहीं बात अगर देश के दूसरे राज्यों की करें तो दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एम्स में अब ओपीडी सुविधा बंद कर दी गई है, यानी कि अब लोग सीधे चेकअप के लिए नहीं जा सकते। वहीं ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है कि कार में अकेले बैठे व्यक्ति को भी मास्क लगाना जरूरी है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं बाकी बचे राज्यों में सख्ती से पालन कराया जा रहा है और हालात बिगड़ते दिखाई दिए तो बाकी राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से आने वाली बसों को की सेवाओं को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि विश्व में ब्राजील और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पर कोरोना के मामले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड ने भी भारतीयों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। 9 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कोई भी भारतीय न्यूजीलैंड नहीं जा सकेगा। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला किया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की और उनका यही कहना है कि लोग वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। एंटीलिया केस में सचिन वजे के बाद उनके मेंटर रहे पूर्व एपीआई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एंट्री हो गई है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा से दूसरे दिन पूछताछ की और उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया। एनआईए को शक है कि प्रदीप शर्मा को सचिन वजे के मंसूबों की जानकारी थी या नहीं, वो उनके साथ शामिल थे या नहीं। एनआईए इस चीज की जांच करना चाहती है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को भी उनके साथ 8 घंटे की पूछताछ की गई थी। वहीं इससे पहले एनआईए ने एक और खुलासा किया है कि सचिन वजे के बैंक खाते में 1.5 करोड़ पाए गए हैं। ऐसा एनआईए को शक है कि सचिन वजे के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कहां से आई, कैसे आई, इस बात की जांच एनआईए करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने सचिन वजे की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि सचिन वजे को लेकर एनआईए लगातार रोज नए खुलासे कर रही है, तो वहीं सचिन वजे के अलावा और लोगों का नाम इस केस में सामने आ रहा है। इससे पहले कस्टडी में रहकर सचिन वजे ने एक बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब का नाम भी दिया था। सचिन वजे ने यह भी कहा कि अनिल परब भी वसूली की मांग करते थे और अवैध वसूली का काम किया करते थे। सचिन वजे ने यह भी बयान में दर्ज कराया कि अनिल देशमुख के सभी कामों की जानकारी उनके पीए को थी कि वो कहाँ जाते थे और किस तरीके के काम करते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी बहाली रद्द की जाए। वहीं एनआईए चाहती कि सचिन वजे की कस्टडी बढ़ाई जाए ताकि उनसे और पूछताछ करके इस केस के खुलासे को और आगे बढ़ाया जा सके और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जा सके। आखिरकार 26 महीने बाद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे, लेकिन गुरुवार को उन्हें यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी की बांदा जेल लाने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद उन्हें और उनके साथ एम्बुलेंस को ही अंदर जाने दिया गया। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी पर लगभग 53 केस दर्ज थे, जिसके बाद उन्हें गैंगस्टर कहा जाने लगा था और यूपी सरकार लगातार उन पंजाब से ये मांग कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि 8 जनवरी 2019 में मोहाली में एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद 10 करोड़ की फिरौती की मांग पर भी केस दर्ज कराया था। 12 जनवरी 2019 को प्रोडक्शन वारंट हासिल करने को लेकर उन पर केस दर्ज है। उसके बाद 22 जनवरी को उनको कोर्ट ने जेल भेज दिया। यूपी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यही कहा कि मुख्तार अंसारी पर यूपी में 53 केस दर्ज है, जिसके बाद उन पर पंजाब में रहने के बाद उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई में अड़चन के बाद यूपी पुलिस ने ये मांग की थी कि उन्हें
यहाँ शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर ही मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद गुरुवार को उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। यूपी पुलिस ने ये मांग की थी कि मुख्तार अंसारी को यहाँ शिफ्ट किया जाए क्योंकि उनके खिलाफ 53 केस दर्ज हैं जिन पर सुनवाई नहीं हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी मौज कर रहा है, उसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर जितनी जल्दी हो सके मुख्तार अंसारी को यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसके बाद यूपी की बांदा जेल लाया गया, मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें यहाँ की जेल में रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने अनिल देशमुख की अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली की आरोपों की याचिका पर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जो दो बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वहां पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो हाईकोर्ट के किसी फैसले पे दखल नहीं देना चाहता। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां उन्होंने याचिका लगाई थी। अनिल देशमुख की ओर से कपिल सिब्बल ने इस केस की पैरवी की और उन्होंने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि जो दो बड़े पदों पर लोग बैठे हैं उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी सीधे जांच होनी चाहिए, ऐसा एक नियम बना दिया जाए। जिस पर जस्टिस ने यही कहा कि हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा कोई भी मामला आए जिस पर दो बड़े पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लगाए जाए, इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हम बॉम्बे हाई कोर्ट के किसी फैसले में दखल नहीं देंगे। यानी अब अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की सीबीआई जांच जारी रहेगी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस सप्ताह के बुलेटिन में यदि कुछ खास खबरें, अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज के साथ।